हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे CBSE की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श के गद्य खंड से लिया गया पहला चैप्टर बड़े भाई साहब। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जो गा खंड है वो हम करेंगे आज। तो इसमें आपको क्या करना है, जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं उसका आपको आशय स्पष्ट करना है। इन पंक्तियों का क्या मतलब है वो बताना है आपको। तो पहली पंक्ति है, इम्तहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ बुद्धि का विकास। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो लेखक हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा इम्तहान में पास हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत तेज़ है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं चीज़ को, रट के अपना पेपर दे आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो क्या लिख के आए हैं, उसका क्या मतलब है। बस इससे क्या होता है, उनकी जो बुद्धि है उसका विकास नहीं होता। तो लेखक इस पंक्ति के माध्यम से आज की जो शिक्षा पद्धति है उस पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़कर तो कोई भी परीक्षा में पास हो सकता है, उत्तीर्ण हो सकता है। तो जो लेखक हैं वो इस पंक्ति के माध्यम से आज की शिक्षा पद्धति पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़कर कोई भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है, पर जो पुस्तकें होती हैं वो क्या होती है, मात्र ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। उनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति तो होती है लेकिन बुद्धि का विकास नहीं होता। तो बुद्धि के विकास के लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी विषय है उसकी गहराई को जानना होगा, उसको अच्छे से समझना होगा। पुस्तकीय ज्ञान से कुछ नहीं होता। तो लेखक का यहाँ पे यही कहना है, हम जो भी काम करते हैं, जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसको व्यवहार में भी लाना चाहिए। तो बुद्धि के विकास के लिए कोई भी विषय है उसको अच्छे से समझना चाहिए, सिर्फ रटना नहीं चाहिए। परीक्षा में अगर कोई पास हो जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत तेज है। तो शिक्षा उसी कर्तव्य भावना का विकास करती है। शिक्षा जो होती है वो जीवन में अनुशासन और हर परिस्थिति का सामना करना सिखाती है। तो जो लेखक हैं वो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई इम्तहान में पास हो जाता है तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इम्तहान में तो वो भी बच्चा पास हो जाएगा जो रट के अपना पेपर दे आता है, लेकिन इससे हम उसकी बुद्धि का ये नहीं मान सकते कि बहुत अधिक विकास हो गया है। क्योंकि अगर बच्चा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको खाली रट के दे आता है पेपर, तो उससे उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी विषय है उसको गहराई से समझना चाहिए, उसको व्यवहार में लाना चाहिए। तो असल चीज़ जो है वो क्या है, बुद्धि का विकास है। तो जो लेखक हैं वो यहाँ पर आज की जो शिक्षा पद्धति है उस पर ही व्यंग कर रहे हैं कि आज की जो शिक्षा पद्धति है वो ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आज की शिक्षा पद्धति में क्या है, जो बच्चा है उसको वही बच्चा तेज माना जाता है जो परीक्षा में अच्छे अंक लाकर पास हो जाता है। तो हम समझते हैं कि ये बच्चा बहुत तेज है, लेकिन असल चीज़ क्या है, हमारी बुद्धि का विकास। अगली जो पंक्तियाँ हैं वो हैं, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। मतलब क्या है, यहाँ पर जो व्यक्ति होता है जब उसकी मौत हो रही होती है तब भी व्यक्ति के अंदर क्या होता है, आदमी के अंदर क्या होता है, इतना माया मोह होता है, वो मरते मरते भी बताता चलता है कि ये कर लेना वो कर लेना, जबकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो लेखक हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, वैसे ही जो लेखक हैं उनके भाई उनको डांटते थे, फटकारते थे, लेकिन उनके अंदर जो खेल कूद का मोह था वो ख़त्म नहीं हो पाता था। तो जीवन में भले ही कितनी मुसीबतें क्यों ना आए, पर मनुष्य कभी भी मोह माया से अलग नहीं रह सकता। उसी प्रकार लेखक के खेल के सामने बड़े भाई साहब की जो डांट थी, नसीहत थी, कुछ असर नहीं करती थी। वो समझाते थे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, ऊंचे आदमी बनना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या होती थी, कोई असर नहीं करती थी। लेखक फटकार व गुड़कियाँ खाकर भी क्या करते थे, खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाते थे, अर्थात खुद को खेलने से रोक नहीं पाते थे। तो मैदान की जो सुखद हरियाली थी, हरा भरा जो मैदान था, वॉलीबॉल की जो तेज़ी व फुर्ती थी, फुटबॉल की जो उछल कूद थी, वो छोटे भाई को रोक नहीं पाती थी, वो मैदान में चले जाते थे खेलने के लिए।
तो वो खेल के आकर्षण से अपने आप को आज़ाद नहीं करा पाते थे और बड़े भाई से आंख बचा कर खेल के मैदान में भाग जाते थे। तो बड़े भाई से छिप छिपा कर वो क्या करते थे, चुपचाप खेल के मैदान में चले जाते थे, उसके मुँह से वो निकल नहीं पाते थे। जिस तरह से जो मरता हुआ आदमी होता है वो भी क्या करता है, अंत समय में भी माया मोह के बंधन में बंधा रहता है। आपकी अगली पंक्ति है, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। बुनियाद ही पुख्ता ना हो मतलब जो हमारे मकान की नींव है वो ही मजबूत नहीं होगी तो मकान कैसे मजबूत होगा, कैसे टिकाऊ होगा। पायदार मतलब टिकाऊ मजबूत, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर बुनियाद ही पुख्ता नहीं है तो मकान कैसे पायदार बने, मकान कैसे मजबूत बने। तो इस कथन के माध्यम से जो लेखक हैं वो अपने बड़े भाई साहब के फेल होने पर व्यंग कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े भाई साहब हैं उनका क्या कहना है कि जिस प्रकार किसी भी भवन की मजबूती जो होती है उसकी बुनियाद अर्थात नींव पर आधारित होती है। कोई भी मकान हमने बनवाया है अगर उसकी नींव मजबूत नहीं है तो वो मकान क्या होगा, गिर जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो बड़े भाई साहब थे वो क्या करना चाहते थे, तालीम रूपी भवन की सुदृढ़ मतलब मजबूत बुनियाद डालना चाहते थे ताकि उस पर आलीशान व सुंदर भवन बन सके। तो वो क्या चाहते थे कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं या जो कुछ भी पुस्तकों में लिखा है तो हमें पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए बल्कि उसको अच्छे से समझना चाहिए। अगर हमारी बुनियाद ही मजबूत नहीं होगी, अगर हमने ठीक से पढ़ा लिखा नहीं होगा तो आगे जाकर हम सफल नहीं हो सकते। तो उनका यही कहना था कि जो बड़े भाई साहब थे उनका यही कहना था कि जो बचपन में जितनी मेहनत से पढ़ता है उसका भविष्य उतना ही अच्छा होता है। तो उनका यही कहना था कि अगर तुम पास हो गए हो तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार मत समझो। ये तो कभी कभी हो जाता है कि हाँ ऐसे ही पास हो जाते हैं, लेकिन जब तक तुम अपनी नींव मजबूत नहीं करोगे, सारे विषयों को अच्छे से नहीं समझोगे, तब तक क्या होगा, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। तो तुम अपने ऊपर घमंड मत करो। तो बड़े भाई साहब का मानना था कि जो बचपन में जितनी मेहनत से पढ़ता है उसका भविष्य उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि बचपन की सही पढ़ाई से क्या होता है, बुद्धि का सही विकास होता है, नहीं तो हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। आपकी अगली पंक्तियाँ हैं, आंखें आसमान की ओर थी, मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। तो इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब एक दिन शाम के समय लेखक एक कनकौआ लूटने मतलब एक पतंग लूटने के लिए बेताशा भागे जा रहे थे, बुरी तरह से भागे जा रहे थे। तो बच्चे क्या करते हैं जब पतंग कटती है, बुरी तरह से भागते हैं उसको लूटने के लिए। तो उनकी आंखें कहाँ होती हैं बच्चों की, आसमान की ओर होती हैं, मतलब वो यही देख रहे होते हैं कि पतंग कहाँ जाके गिरेगी, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कौन उनके आगे है पीछे है, पत्थर है नीचे उनको चोट लगेगी कि नहीं लगेगी, बस उनको पतंग लूटने से मतलब होता है। ऐसे ही जो लेखक थे वो भी पतंग लूटने के लिए भागे जा रहे थे बुरी तरह से, उनकी जो आंखें थी वो आसमान पर टिकी हुई थी, तो वो यही देख रहे थे कि ये पतंग कहाँ जा रही है, कहाँ जाकर गिरेगी, और मन भी आकाश में बिचरते हुए पथिक के समान था जो धीरे धीरे पतंग की ओर बढ़ रहा था। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई विरक्त आत्मा नीचे आ रही हो, तो पतंग ऐसी लग रहा था, पतंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा हो वो आसमान से नीचे आ रही हो। तो नीचे आती पतंग पर नज़र टिकाए लेखक उसी की दिशा में भागे जा रहे थे और उन्हें इधर उधर से आने वाली किसी भी चीज़ की कोई खबर नहीं थी, उन्हें तो सिर्फ पतंग दिखाई दे रही थी कि किसी तरह उनको पतंग मिल जाए। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया, आपके क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गए, तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।